जी वेलकम बैक हो गया आप सबका अगर कॉमेडी की एक नई वीडियो के अंदर। तो आपका भाई आपका आपसे अपना वादा पूरा कर रहा है। आपके भाई ने आपसे कल वादा किया था Q&A की वीडियो में आज की कॉमेडी की वीडियो लाजमी आएगी। तो अभी आपका भाई बैठ गया अपने मिशन के ऊपर, आज हम आएंगे कॉमेडी की नई वीडियो। तो अभी आप लोग कुर्सियों की पेटियाँ बांध लें और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, जो बैठे हैं वो लेट जाए, जो लेटे हैं वो सो जाए। अरे ये मैंने क्या कह दिया, सो गए तो मेरी वीडियो कैसे देखोगे? नहीं नहीं सोना सोना। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सब भाइयों की बहनों और सब बहनों के भाई, तो आज की वीडियो की कॉमेडी की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होंगे शाहिद अफरीदी और PCB के दरमियान कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड। और ये आपको भी मैं बताऊंगा यार, आपको मैं बैठा नहीं आपको बताने के लिए, ऐसे थोड़ा दिखा सकते हो आपको। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर आजम की यार लो रैंकिंग के बारे में। बाबर आजम थर्ड नंबर के आ चुके T20 रैंकिंग में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ दोनों। तो सबसे पहले पाकिस्तान ICC वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के जो ट्राई सीरीज़ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो बाबर आजम कैप्टन, वाइस कैप्टन शताब खान, आसिफ अली, हारिस हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह, अफरीदी। भाई फिट हो गया बंदा, फिट हो गया है। वसीम जूनियर भी आपका भाई फिट हो गया है। और शान मसूद, आपके भाई की बात सुनी गई है पिछले वीडियो में, आपको भाई ने कहा था। लेकिन यार एक काम PCB लाजमी करना, बाबर आजम के लिए 14 बकरों का सदका लाजमी देना ताकि भाई की फॉर्म वापस आ जाए यार। बेचारा इंशाल्लाह इंग्लैंड की सीरीज़ में परफॉर्म करेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने 3 ट्रैवलिंग रिजर्व, और उसके बाद 2 और खिलाड़ी हैं और 1 और खिलाड़ी है उस्मान कादिर। यार उस्मान कादिर की जगह आप इमाद वसीम को रख लेते, क्योंकि यार उस्मान कादिर स्पिनर मुझे नॉट फेवरेट यार। उसके बाद ट्रैवलिंग रिजर्व में यार फखरू को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख दिया यार। आपका बेस्ट बैट्समैन था वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, ओपनर। और उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर। यार आपको मोहम्मद हारिस को ऊपर लाना चाहिए इन तीनों में से, क्या होता है अपना खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली में से एक बंदे को, एक इनमें से एक बंदे की जगह लाना, क्योंकि ये भी हिटर है, वो भी तीनों के पास हिटर है और उनमें से एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, मैं नाम ले ही लेता हूँ, मैंने किसी का कर्जा देना है। आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद उन्होंने शाहनवाज धानी को भी ट्रैवल रिजर्व में रख लिया यार। धानी जो करता था यूँ बेचारा आप नहीं कर पाएगा। और दूसरा अपना क्या होता है हसन अली, यार हसन अली को तो रख लेते, उसने बदवाई लगा के हमारे 2-3 खिलाड़ी इंजर्ड करा देने हैं और टीम में आ जाना है। अब उसे वैसे ही रख लेते हैं बेचारे को ट्रायल रिजर्व में, ताकि हमारी टीम को खिलाड़ी तो इंजर्ड ना होता। पहले भी उसने टीम में आने के लिए 2 खिलाड़ी इंजर्ड कराए हैं। उसके बाद हम इंग्लैंड का स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आजम कैप्टन, शदाब खान वाइस कैप्टन, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उस्मान कादिर और 2 इमरजिंग खिलाड़ी रखे हैं आमिर जमाल एंड अबरार अहमद। तो ये पाकिस्तान के जो होंगे ना इमरजिंग खिलाड़ी। तो यार इसके अंदर भी इन्होंने फ़खर जमान को कह रहे हैं इंजरी होगी और वो लंदन रिहैब कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की मैच हुआ था एशिया कप के बाद जिसकी वजह से उनको इंजरी हो गई थी। और अभी मैं आपको एंड में अपनी जो प्लेइंग 11 जो मैंने सोची हुई थी कि पाकिस्तान को करनी चाहिए थी वो भी मैं आपको बताऊंगा जो एंड में। उसके बाद जो है हम कंट्रोवर्सी डिस्कस कर लेते हैं शाहिद अफरीदी और PCB के दरमियान। तो पिछले दिनों एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे शाहिद अफरीदी का बयान आया कि वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को अकेला तनहा छोड़ दिया गया है PCB की तरफ से, और वहाँ उनका ख्याल बिल्कुल, और वो अपने खर्चे पर गए हैं लंदन और PCB उनका ज़रा से भी खर्चा नहीं उठा रहा, और उन्होंने डॉक्टर का भी खुद अरेंज किया है, उन्होंने रिहैब भी खुद करा रहे हैं। तो ये PCB अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना असासा ज़ाया कर रहे हैं। अगर एक आपके पास कौमी असासे का ऐसा हाल है तो बाकी जो टीम के अंदर इमर्जिंग या छोटे मोटे खिलाड़ी हैं जैसे बेचारे रुल रहेंगे अगर ये इंजर्ड हो गए तो यार आपको देखना चाहिए। अगर आप करा रहे हैं तो पहले, लेकिन फिर उसके बाद PCB के भी हुक्काम का आया और रमीज़ आजा ने अपने फैम फॉरन पर भी आगे दिखाया कि आपको किसने कहा है कि हम नहीं करा सकते, क्यों ना कि क्योंकि वो हमारा अपना कौमी असासा है और हम करा रहे हैं, और अगर वो टिकट पर गए हैं अपनी तो हम उनको उनका खर्चा देंगे टिकट का जो उनका हुआ है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो फ़खर जमाना है वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं लेकिन हम उनको बाद में देंगे।
भैया आप सारी गलत फहमियाँ दूर करें और पीसी भी अपने कौमी खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। तो देखते हैं आगे, इसके बाद इसको मैं आपको अगली कॉमेडी के एपिसोड में इन्फॉर्म करूँगा इंशाल्लाह आपसे बात। और उसके बाद बाबर आजम की डाउनवर्ड रैंकिंग, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के सेकंड नंबर पर आ गए और बाबर आजम थर्ड नंबर पर मूव कर। अरे यार, बाबर आजम साइकिल पर जा रहे हैं और दूसरे लोग ट्रेन पर कुचलते जा रहे हैं बाबर आजम को। वो बेचारा साइकिल पर रगड़ता जा रहा है यार, उसके 14 बकरों के सदके दे दो, बेचारे ने परफॉर्म कर लेना थोड़ा सा। उसके यार विराट कोहली जो है उसको कहो यार इसको दोबारा हाथ मिला ले ताकि उसकी फॉर्म वापस आए। पता नहीं क्यों से उसने जसूमा वापस, और थोड़ा सा हमने पसीना आया है तो इसके लिए माजरत। और उसके बाद अब मैं आपको अपनी टीम बता दूँ जो मैंने सोची हुई थी, मैंने सोचा हुआ था यहाँ पर मेरी टीम आ भी रही होगी। ओपनर शान मसूद और फ़खर जमान, और उसके बाद सेकेंड थर्ड नंबर पर बाबर आजम कैप्टन, उसके बाद फोर नंबर पे मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो यार उनको ना मोहम्मद रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जिनको रूम चाहिए, यानी वो अगर प्रेशर सिचुएशन थोड़ी सी बन जाए ना तो वो मैच को निकाल नहीं पाते, वो अपनी विकेट दे देते हैं, और अगर उनको मैच बना हुआ मिल जाए तो वो फिर किसी को खेलने नहीं देते। तो उसके बाद चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, उसके बाद पाँचवें नंबर पर शुएब मलिक को, इन्होंने शुएब मलिक और हैदर अली की जगह में से एक बंदे को। उसके बाद छठे नंबर पर जो है ना आप खिला सकते थे इन तीनों में से या एक को या और चारों में से, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद इफ्तखार अहमद और खुशदिल शाह, इन चारों में से आप किसी एक को खिला सकते थे। उसके बाद शताब खान आ जाते हैं, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ और इमाद वसीम, अगर ये दो आपके पास होते तो आप इन दोनों में से किसी एक को खिला, और तीन आपके पास फास्ट बॉलर आप हारिस रऊफ और शाहीन शाह तो आपके मेन बॉलर हैं, तो इन दोनों ये दो, और उसके बाद एक जो बॉलर है ना उसमें आप खिला सकते थे क्या अपना नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हसन अली और मोहम्मद वसीम, इन चारों में से आप किसी एक को खिला सकते थे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा, लेकिन खैर आपको जो टीम सेलेक्ट किया इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीतेगी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप, हम पाकिस्तानियों के साथ हैं, लेकिन यार टीम इन्होंने एवरेज सेलेक्ट की है जिसकी वजह से बहुत यार अफसोस हुआ है, तो यार बहुत अफसोस हुआ है। और यार आप फ़खर जमान को खिला लेते यार, आपके पास वो इतना अच्छा, आपने उसको ड्राइविंग, लेकिन चलो इंग्लैंड की सीरीज आप उसको ड्राइविंग रिजर्व में तो ना रखते ना, आप ड्राइविंग रिजर्व में आपके पास एक और खिलाड़ी आया था, आप इन तीनों में से तीन हिटर्स में से एक को रेस्ट दे देते यार। तो खैर अब उसके बाद जो बाबर आजम की यार इसका इसका कुछ करना पड़ेगा, अगर ये परफॉर्म ना कर पाया तो हमारी टीम ने तो रुल जाना है, हमारी टीम की तो ऐसी हालत नहीं है कि हम 150 रन भी चेस कर पाए, हमारे ये लम्हा फिक्री है, और इसी भी अपने खिलाड़ियों का ध्यान रखे। तो मैं इस कॉमेडी की वीडियो यार ज़रा छोटी बनी है क्योंकि यार टॉपिक बड़े कम थे, इंशाल्लाह नेशनल T20 का कप का फाइनल भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह कल उसका दो सेमीफाइनल है और इंशाल्लाह परसों उसका फाइनल है, तो कल अब दो इंशाल्लाह दो दिन लॉग आएंगे, उसके बाद जो दो इंग्लैंड के T20 हो जाएंगे उसके बाद कॉमेडी की एक वीडियो आएगी धमाकेदार किस्म की। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो इस वीडियो को मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी दिल में है भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ मेंशन होगी, टिकटॉक की भी मेंशन होगी, तो उसको मस्ट जाकर फॉलो करना है, उसको भी सब्सक्राइब के बटन, और अगर आप सब्सक्राइब के बटन को अभी तक नहीं छुआ तो आप किस पत्थर के नीचे के आप भरी, आप जाके जल्दी छुए इस बटन को ताकि आप हमारी स्पेशल वीडियोज़ का हिस्सा बन सके। तो अल्लाह। यार आपके भाई ने आपको भेजा और आप चले भी गए, तो आपकी यार वीडियोस पे भी बहुत क्वेंटिंग की वीडियो भी बहुत सपोर्ट आ रहा है, तो आपके लिए यार आपका भाई आप हमारी फैमिली है तो हम फैमिली की तरह चलते हैं। तो यार इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह दो तीन और ब्लॉग आने वाले हैं धमाकेदार किस्म के, उसके बाद यार दो जब T20 या एक T20 हो जाएगा फिर कॉमेडी के धमाकेदार किस्म, क्योंकि यार टॉपिक सिर्फ स्क्वाड्स का ऐलान हुआ है इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान टीम को मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, यार अपनी किट थोड़ी सी अच्छी कर लो, आप किसी फ्री लांसर को दे दो वो आपको अच्छी किट बना देगा, या आप अमेजोन पर जो हमारे लड़के बैठे हैं फ्री लांसिंग करें इनको कह दो ये किट्स आपको अच्छी बना देंगे, किट्स पे थोड़ा फोकस करें यार। पाकिस्तान की किट्स ऐसे होती है जैसे क्या होता है वो डर्टी कार्ड वो नहीं होते थे क्या होता है वो डिटोल के अंदर जो आता है कीड़ाणु, उससे भी बुरी, उसने जो पहनी होती है ना ग्रीन कलर की शर्ट उसकी पाकिस्तान ने किट बनाई हुई है, किट पे भी लाजमी फोकस करें, तो इस लोग को यही पेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।